Now I am moving to the exercise 8.2. First question is, a man got a 10% increase in his salary. सैलरी में जो उसका इंक्रीमेंट है वो कितना है 10%। सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1 lakh 54,000 rupees. Find his original salary. दोस्तों जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन बताए, इवन एक्सरसाइज 8.1 भी करी, सब मैंने दो तरीके से बताए। या तो आप x अज्यूम कर सकते हो या 100 अज्यूम कर सकते हो, है ना, दोनों तरीके से बताएं। बट कुछ क्वेश्चन जो है वो 100 लेने से बहुत सिंपल तरीके से हो सकते हैं तो हम उसे प्रेफर करेंगे, और कुछ क्वेश्चन x लेने से इजी हो सकते हैं तो हम उसे प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 100 रुपीज़ लेके अज्यूम करके बताऊंगी कि कितना ईजी पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक मैन है जिसकी सैलरी कुछ भी थी, लेट से एक्स थी या 100 थी, 10% से इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब फाइनली जब इंक्रीज हुई तो वो इंक्रीज वैल्यू कितनी दी हुई है, 1,54,000। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल सैलरी, मतलब इससे तो कम होगी डेफिनेटली क्योंकि ये तो इंक्रीज्ड है, और इसके अंदर कितना इंक्रीमेंट है, 10% का इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, वो ओरिजिनल वाला अमाउंट कि उसे पहले कितनी सैलरी मिलती थी। तो हम इसे एक्स लेके करते हैं, लेट द मैन सैलरी बी 100 रुपीज, इंक्रीज इन सैलरी कितनी है 10%। जैसा मैं आपको कई बार बता चुकी हूं, जब हम 100 की बात करते हैं और 10% है तो वो 10 के इक्वल होगा, 20% है तो 20 के इक्वल होगा, 40% है तो 40 के होगा, क्योंकि 10% ऑफ 100 इज ऑलवेज इक्वल टू 10। मैं निकाल के आपको बता जरूर देती हूँ बट आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 10% ऑफ 100 क्या होगा, 10/100 ऑफ मीन्स इंटू 100, 100 कैंसिल, कितना इंक्रीमेंट आया सैलरी का 10 रुपीज। तो 10% दिया था तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि इंक्रीज इन सैलरी इज 10 रुपीज व्हेन द सैलरी इज 100। सिर्फ कब के केस में ऐसा करना है हमें, जब सैलरी हम क्या अज्यूम कर रहे हैं 100, तो द इंक्रीज इन सैलरी इज 10% मीन्स 10 रुपीज। सो फाइनली इंक्रीज सैलरी कितनी हो गई, 100 + 10 means 110 rupees। ये स्टेप्स बच सकते थे आपके अगर आप डायरेक्ट 10 लिखते, तो आप लिखते मैन की सैलरी जो है वो 100 है, 10 rupees इंक्रीज हुए, सो नाउ हिज सैलरी इज 110, फाइनली इंक्रीज सैलरी इज 110। अब आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे, यूनिटरी मेथड ये लगाएंगे कि व्हेन हिज सैलरी इज 100, उल्टा लगाना पड़ेगा व्हेन, क्योंकि हमें 1,54,000 फाइनल वैल्यू दी हुई है, तो हम लिखेंगे व्हेन हिज इंक्रीज्ड सैलरी इज 110 रुपीज, देन ओरिजिनल वॉज 100 रुपीज, ठीक है। सो व्हेन इसकी सैलरी 1 होगी तो क्या होगा, यूनिटरी मेथड कैसे लगता है, 100/110 rupees। व्हेन हिज सैलरी इज 1,54,000 rupees, यहां पे आप रुपीज लिखेंगे, देन
हंड्रेड अपॉन 110 इंटू 1,54,000। अब आप इसे कटा पिटी कर लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, आई थिंक 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 वन ज़ा 11, 4 कैरी हुआ, 11 फोर ज़ा 44, 2 जीरोस, तो फाइनली इट इज़ 1,40,000 रुपीज़। सिंपल वे में आंसर आ गया कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी, 1,40,000 रुपीज़। उस पे उसको उसकी कंपनी ने 10% का इंक्रीमेंट दिया एंड 10% के इंक्रीमेंट देने के बाद ही गॉट दिस अमाउंट। इसके लिए एक बार वापस से रिवाइज करा देती हूँ, हमने क्या किया, सिंपल सा लिया कि उसकी सैलरी लेट से 100 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ इंक्रीज हुए तो उसकी सैलरी कितनी हो गई, 110। हमने इक्वेशन जमाई कि जब 110 रुपीज़ उसकी इंक्रीज्ड सैलरी है तब एक्चुअल कितनी है, 100, तो 1 होगी तो कितनी होगी, 100 अपॉन 110, सो 1,54,000 अगर होगी तो उसकी एक्चुअल सैलरी और ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी, 1,40,000। प्रैक्टिस करते करते आप इसे और शॉर्ट स्टेप्स में कर सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, ऑन संडे 8:45 पीपल People went to zoo. On Monday, 169 people went to zoo. What is the percent? Percent को I am writing in short, percent decrease in the people visiting zoo on Monday. मैंने आपको इसलिए बोला कि डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, संडे जनरली ऑफ रहता है, सबका हॉलिडे रहता है, तो संडे बहुत सारे लोग जाते हैं आउटिंग पे, तो जू भी अगर जाएंगे तो संडे ज़्यादा लोग जाएंगे इंस्टेड ऑफ मंडे, क्योंकि मंडे वर्किंग डे होता है, तो मंडे जो भी जू में जाने वाले होंगे वो लेस होंगे जनरली, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हम अगर हॉलीडेज का चार्ट देखें तो संडे कहीं भी आउटिंग में लोग ज़्यादा होते हैं। सेम वही क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि संडे ज्यादा लोग गए हुए हैं जू एंड ऑन मंडे केवल 169 लोग ही जू पे विजिट करके आए हैं। हमें पता करना है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज निकालने से पहले हम डिक्रीज तो निकाल लें कि कितना डिक्रीज हुआ है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले दोनों वैल्यूज लिखेंगे। ऑन संडे 8:45 पीपल विजिट टू जू, ऑन मंडे 169, ठीक है, सो द डिक्रीज ऑन डिक्रीज इन पीपल, लोग कम हुए ना, ऑन मंडे इज क्या होगा, 8:45 - 169। वाई, बिकॉज संडे जो गए वो 8:45 गए, मंडे जो गए 169 गए, तो मींस कितने कम, कितना कम हुआ, डिफरेंस कितना हुआ, तो हम वो डिफरेंस निकालेंगे, हम इन दोनों को माइनस करेंगे, सो आंसर विल बी 676, मीन्स संडे इतने ज़्यादा लोग गए थे, 676 ज़्यादा लोग गए थे। अब ये तो आया डिक्रीज इन पीपल, बट हमें क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज, जबकि अभी हमने केवल क्या निकाला है, एक फिगर निकाला है कि कितना डिक्रीमेंट हुआ मंडे एंड संडे में। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम परसेंटेज इन डिक्रीज निकालेंगे। नाउ परसेंटेज इन डिक्रीज इन
पीपल इज, जो डिफरेंस आया, जो टोटल था, इनटू 100, परसेंटेज निकालने का हमारा यही तरीका होता है। ठीक है, अब हम इसे काटेंगे। ये 5 है लास्ट डिजिट और ये 100 है, तो 5 से कट डाउन हो जाएगा। 5 वन ज़ा 5, 3 कैरी हुआ, 5 सिक्स ज़ा 30, 5 नाइन ज़ा 45, ये कैंसिल हुआ 27। अभी ये दोनों भी कुछ कैंसिल हो जाएंगे। 169 फोर ज़ा 676, सो फाइनली इट इज 20 इंटू 4 मीन्स 80% का डिक्रीमेंट हो गया संडे टू मंडे। तो अब आप इमेजिन करिए, ट्यूसडे तो और कम लोग हो जाएंगे, वर्किंग डेज में हमेशा लोग कम जाएंगे बाहर आउटिंग पे, और संडे सैटरडे हमेशा और दूसरे हॉलीडेज पे लोग ज्यादा जाएंगे। तो दे हैव आस्क्ड डिफरेंस बिटवीन संडे एंड मंडे, तो वो आया 676, एंड परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 80% का डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, जू में जो लोगों ने विजिट किया है तो 80% का डिक्रीमेंट हुआ है। तो क्वेश्चन सिंपल था बहुत। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ सेकेंड वी हैव ऑलरेडी डन, मूविंग टू द थर्ड इज, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स, शॉपकीपर buys 80 articles for rupees 2400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price. Selling price ko we can write as P of one article. Question पे ध्यान देना है। एक shopkeeper है जिसने 80 articles खरीदे, let's say 80 gifts हैं, 80 gifts buy किए रुपीज 2400 में, मीन्स ये जो प्राइस दी है इट इंक्लूड्स ऑल द 80 आर्टिकल्स, वन आर्टिकल की नहीं दी हुई है। आगे उसने उसे प्रॉफिट में सेल किया, सेल करने के बाद दे आर आस्किंग फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, मीन्स बात कर रहे हैं 80 की, बट आंसर दे वॉन्ट इन वन आर्टिकल। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे द कॉस्ट, द सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स इज रुपीज 2400, ये 80 की है। सो द सीपी ऑफ वन आर्टिकल इज 2400 अपॉन 80, 8 3 24, 30 रुपीज प्राइस आई वन आर्टिकल की। अभी तो केवल कॉस्ट प्राइस आई, मीन शॉपकीपर ने एक आर्टिकल और एक गिफ्ट जो बाय किया दैट इज कॉस्टिंग 30 रुपीज। अब उसने इसे प्रॉफिट में सेल किया, तो प्रॉफिट, अब देखिए सीपी तो आ चुकी है आपकी, सीपी ऑफ वन आर्टिकल इज 30 रुपीज। नाउ दे हैव गिवन प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 16%, परसेंटेज वाइज दिया है तो हमें निकालना पड़ेगा। सो द प्रॉफिट इज क्या होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। सो प्रॉफिट यहां पर क्या है, 16%। तो अब हम निकालेंगे कि प्रॉफिट अमाउंट में कितना है, तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट इज 16% ऑफ, ऑब्वियस है सीपी,
जिस अमाउंट पे वो आर्टिकल खरीदा था उसका 16% हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम इसे यहाँ कंटिन्यू करते हैं। 16% मीन 16/100 इंटू सीपी इज 30 रुपीज। हम एक आर्टिकल का निकाल रहे हैं, 0 एंड 0 कैंसिल, 16 3 48/10 मीन्स 4.8 रुपीज। मीन्स शॉपकीपर जो है वो पर्टिकुलर आर्टिकल और गिफ्ट 30 रुपीज में बाय कर रहा है और उससे 4.8 रुपीज ज्यादा में सेल कर रहा है। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, क्योंकि एक की बात करिए इसलिए हम पूरा एक की बात कर रहे हैं, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी इज व्हाट? 30, प्रॉफिट इज 4.8, सो फाइनली इट इज 34.8 रुपीज। यानी एक आर्टिकल जो वो सेल कर रहे हैं 34.8 रुपीज में सेल कर रहे हैं। लेट से अगर इसमें वो 80 आर्टिकल की बात करते तो हम क्या करते, वन आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी है 34.8, सो द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल विल बी 80 × 34.8, 80 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने पूछा ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्वेश्चन में हमें वन आर्टिकल की वैल्यू निकालनी पड़ी, तो सबसे पहले हमने वन आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकाली, प्रॉफिट हमें उन्होंने क्लियरली दिया हुआ था, एंड आफ्टर दैट हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द वन आर्टिकल फाइंड आउट करें। ठीक, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज रुपीज सो एंड सो, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज रुपीज 15,500, ना रुपीज 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स। इफ इट इज सोल्ड is sold for a profit of profit of 15%, find the selling price of an article and article। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसे तो सिंपल है, बट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगी। हम लोग बर्थडेज या पार्टीज अटेंड करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स बाय करते हैं, ऑब्वियस है हम गिफ्ट्स बाय करते हैं। लेट्स से हमने 200 का कोई गिफ्ट बाय किया, 200 का गिफ्ट बाय करने के बाद 90% लोग जो होते हैं वो इसको पैक करवाते हैं अच्छे से। लेट्स से 20 रुपीज वी हैव स्पेंड ऑन पैकिंग, तो हमें जो वो गिफ्ट है जो हमने अपने फ्रेंड को देना है वो कितने का पड़ता है, 200 + 20 मीन्स हमारी पॉकेट मनी से जो अमाउंट जाता है वो 200 जाता है क्या? नहीं, वो कितना जाता है, 200 + 20। मतलब हम कोई भी चीज़ जो भी लेते हैं बाय करते हैं और उस पर कुछ और एक्सपेंडिचर करते हैं तो कॉस्ट प्राइस वो जो ओरिजिनल प्राइस है वो नहीं होती है, न्यू हो जाती है। ठीक है, या एक और एग्जांपल देती हूँ, लेट्स से हमने एक एक्टिवा और स्कूटर बाय किया, हमने स्कूटर बाय किया 45,000 में, बट उस 45,000 के साथ साथ हमने उसमें सीट कवर लगवाया, दो मिरर लगवाए, लेट से हमने कुछ उसमें और अच्छी एसेसरीज ली, तो हमें एक्टिवा की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी होगी, 45,000 प्लस जो भी एसेसरीज पे हमने एक्सपेंडिचर किया। हम किसी को जब बताएंगे कि हमें फाइनली ऑन रोड एक्टिवा कितने में आई और स्कूटर कितने में आई, तो हम कभी भी 45,000 नहीं बताएंगे,
हम 45,000 प्लस जो जो अमाउंट हमने उस पर स्पेंड किए, ठीक है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक आर्टिकल है जिसकी प्राइस एक्चुअली कितनी है, 15,500, बट उन्होंने उस पर 450 रुपीज रिपेयरिंग खर्चा किया है, रिपेयरिंग पे स्पेंड किया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? क्या कॉस्ट प्राइस 1550 होगी? नहीं, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 15 इतना प्लस 450, ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट। तो ये इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिए कि आपको एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पता करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 15,500 रुपीस, बट ही हैज स्पेंट 450 रुपीस फॉर रिपेयरिंग। सो द फाइनल कॉस्ट प्राइजेस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अब चेंज हो चुकी है, सो द फाइनल कॉस्ट प्राइस इज दिस प्लस दिस, सो इट इज 15,950 रुपीस। अब आपकी सीपी चेंज हो चुकी है, जो भी आप सॉल्व करेंगे वो ये सीपी लेके सॉल्व करेंगे, ना कि ये वाली सीपी लेके सॉल्व करेंगे, बिकॉज योर सीपी मींस कॉस्ट प्राइस इज चेंज। आपको जो भी आपने आर्टिकल लिया था वो फाइनली इतने रुपए में आया है, ठीक है। नाउ आगे क्वेश्चन क्या है, इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, तो अब हम निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया हुआ है 15%, सो द प्रॉफिट, ये तो परसेंट में है, अब हमें रुपीस में निकालना पड़ेगा। सो द प्रॉफिट इन रुपीस इज सीपी इनटू 15%, और आप लिख सकते हो 15% ऑफ सीपी, एक्चुअली आना चाहिए ऐसा 15% ऑफ सीपी, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है। सो 15/100 इंटू ऑफ मीन्स इंटू सीपी इज व्हाट, 15950। अब हम इसे कट डाउन करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा दैट इज 2392.5 रुपीस। मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व है तो मैंने वो वैल्यू कॉपी कर ली है, 2392.5 रुपीस। तो प्रॉफिट कितना आ गया उस आर्टिकल पे, 2392.5। अब फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगी, क्योंकि सीपी आ चुकी है, प्रॉफिट आ चुका है, तो सेलिंग प्राइस क्या होती है हमेशा, सीपी प्लस प्रॉफिट, फाइन। तो सीपी इज व्हाट, 15950 प्लस प्रॉफिट इज व्हाट, 2392.5, एंड इसका मेरे पास रिजल्ट है दैट इज 18342.5 रुपीस, ठीक है। तो 18,342.50 पैसा जो है उसका सेलिंग प्राइस हो गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल और स्ट्रेट था, एक पर्सन है उसने एक आर्टिकल लिया, आर्टिकल लेने के बाद उसे उस पर कुछ अमाउंट स्पेंड करना पड़ा, तो उस पर्सन की कॉस्ट प्राइस जो है सबसे पहले तो वो चेंज हो गई, ये नहीं रही ये हो गई। उसके बाद प्रॉफिट जो था वो अमाउंट के फॉर्म में नहीं दिया था, परसेंटेज के फॉर्म में दिया था। जब प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्म में दिया हो तो हमें रुपीस के फॉर्म में निकालना होता है। रुपीस के फॉर्म में निकालने का तरीका क्या होता है, 15 जो भी प्रॉफिट परसेंट दिया है ऑफ सीपी, उसके थ्रू हमने अमाउंट निकाल लिया प्रॉफिट का, उसने जो प्रॉफिट अर्न किया दैट इज 2392.5, एंड इसके बाद आपको पता है कि सेलिंग प्राइस जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो ऐसे हमने इसे सॉल्व किया। सो स्टूडेंट थर्ड एंड अब हमने फोर्थ भी सॉल्व कर लिया है।